कि जो भी कुछ हुआ है दोनों साइड से हुआ है, और जो भी कुछ है वो हुआ भी है तो वो खत्म भी हो जाएगा। मैं बार बार यही बोलती हूँ, वो खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि परिवार की बात, पारिवारिक बात जो होती है ना, वो ज्यादा दिन तक चलती नहीं। आज दावे के साथ कह रहा हूँ, तुम सबको कह रहा हूँ, तुम्हारे पास जो भी सबूत हो, जो भी हो, सब आप बाईडी पर डालिए। आज मुझे सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग वो चीज दिखाओ, आप मेरे सासू माँ की बातें जो भी हैं, क्योंकि मेरा पति आज जिंदा नहीं है तो इस हद तक मुझे पहुंचाया। फ्रेंड्स, काफी टाइम से लोग ये जानना चाहते हैं कि सपना जो कुछ भी कर रही है उसके ऊपर ना अरमान मलिक को रिएक्शन दे रहे हैं, ना लखनप्रीत को रिएक्शन दे रहे हैं, जबकि सपना के दोनों ही मुंह बोले भाई है। इसके पहले भी सपना का जो कंट्रोवर्सी हुआ था राजवीर चौधरी को लेके, जब राजवीर चौधरी का अचानक से इस तरीके से उनके साथ इंसिडेंट हो गया था, तब भी लोग सपना के बारे में बहुत ही गलत सलत बात कह रहे थे। तब अरमान मलिक आए थे और अरमान मलिक ने सपना का फुल सपोर्ट किया था और लोगों को चेतावनी दी थी कि उससे दूर रहना, काफ़ी बहुत ज़्यादा गंद फैला रहे हो। उसके बाद भी जब लखनप्रीत ने भी सपना का साथ दिया था, देन लखनप्रीत ने सपना को अपना मुंह बोले बहन बनाया था, देन अभी जब शिवी के साथ कंट्रोवर्सी हुई सपना की, तो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि लखनप्रीत कुछ बोले, क्योंकि लखनप्रीत की वजह से ही सब कुछ हुआ था। लखन जब सपना से मिलने गए थे उसके वजह से ही कॉन्ट्रोवर्सी छिड़ी थी, शिवी के मन में जलन पैदा हुई थी। पर अब लखनप्रीत कुछ क्यों नहीं बोल रहे जब उनकी बहन ने अपने ही ससुर जी के ऊपर इतना गंदा एलिगेशंस लगाया है। लोग बहुत से लोग सपना का सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सपना भी हो ना हो जगत दीदी जैसी निकलेगी, क्योंकि जगत दीदी ने भी जो अपना रंग दिखाया है, कहीं ना कहीं सपना भी अपना रंग दिखाएगी, क्योंकि किसी ने भी सोचा नहीं था नेहा आशीष तिवारी के बारे में कि जो